ये देखें, सिर्फ रश देखें आप। यहाँ पे कदीमी ज़माने के खड़े हुए, क्योंकि बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू काजिम भाई व्लॉग। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये रावलपिंडी के मशहूर लुंडा बाज़ार की चना चाट की वीडियो है। और इस चना चाट पे मेरे दोस्त ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि इस जैसी चना चाट आपको बड़े से बड़े ब्रांड पर भी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रांड तो फिर ब्रांड है, और इस तरह की काफ़ी चाट मशहूर ब्रांडों पर लगी हुई है। उसकी बात सच थी। और हम तीन दोस्त यहाँ चना चाट खाने आए थे। उस टाइम 60 रुपये का प्याला था, जो कि आज 100 रुपये का हो गया है। उस दिन जब मैंने चना चाट खाई तो वाकई अपने दोस्त की बात को मान गया और चना चाट का फ़ैन हो गया। और उम्मीद है आप भी ये वीडियो देखने के बाद इस चना चाट के फैन हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। करके ये चीज लेनी पड़ रही है। और यहाँ पे रश देखें, माशाल्लाह से लड़ाई देखें। दो प्याले तो बनते हैं इनके। ये देखें, ये लोग लड़ाई कर करके ये ले रहे हैं चना चाट। और इनके जो चना चाट बनाने का स्टाइल है, काफ़ी यूनिक है। और एक ख़ास किस्म के ये चटनी डालते हैं, जिस वजह से ये चना चाट जो है ये बहुत मशहूर हुई है। तो आपको मैं सिर्फ रश दिखा देता हूँ कि कितना रश है यहाँ पे। ये भी इसी का हिस्सा है। ये भी नाजरीन, ये दही बल्ले भी इसी जो पॉइंट है, ये जो चना चाट वाला पॉइंट है, ये भी इसी का हिस्सा है। तो जब लास्ट टाइम मैं आया तो ये खाली सिर्फ ये लगा हुआ था। अब इन्होंने गोलगप्पों वाला स्टॉल भी स्टार्ट कर लिया है। तो वो ये सामने जो वो खड़े हैं, वो चाचू हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया था आज से 10-15 साल पहले। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, ये भाई खड़े हैं, इसके अलावा बुज़ुर्ग खड़े हैं हमारे साथ सामने, वहाँ पे लेडीज़ खड़ी हैं। ये देखें ना, मतलब कोई तमल मिजाजी से काम नहीं ले रहे हैं। हर बंदा बस यही चाह रहा है कि उसको पहले मिले, उसको पहले मिले। चाचा जी, ठीक ठाक? ये भाई खड़े हैं, इनसे रिव्यू भी लेते हैं। वारिस नाम है। अब शुरू हो जाएंगे। ये बस यहाँ पे कदीमी ज़माने के खड़े हुए हैं, क्योंकि अब बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। इनकी ये दही बल्ले और चना चाट बहुत अच्छे हैं, काफ़ी टाइम से ये लगा रहे हैं, तो एक टेस्ट अच्छा है। क्योंकि घर की होममेड ये बनाते हैं, सारी इनकी चटनियाँ वगैरह जितने कुछ भी है सब, ये ना भी ये बना रहे हैं, सारा होममेड है। तो बस यार, अभी कुछ आखिर क्या वजह है, मतलब आखिर वजह क्या है? और भी ब्रांड है, काफ़ी ब्रांड है चना चाट के, लेकिन यहाँ पे रश क्यों होता है? होम मेड है क्योंकि टेस्ट इनका अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है इनकी, इस वजह से। रेट बता दें, क्या कर दूँ? रेट बता दें। रेट 150 का जी। नहीं, दही बल्ले चना चाट और चना चाट 100 रुपीज़। बहुत शुक्रिया भाई। आफा जी, दो दही बल्ले करो। ये देख रहे हैं सर, नाजरीन देख रहे हैं, माशाल्लाह से लोग काउंटर के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये देखिए, अब बच्चा ऐसे लग रहा है जैसे काउंटर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो लोग काफ़ी इस माहौल को मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। और जो जो ये भाई जो काम कर रहे हैं, दो बंदे लगे हुए हैं यहाँ पे, वो अंकल तैयार कर करके दे रहे हैं और ये इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लड़ाई एक दो जी। देखें जी, काफ़ी लड़ाई हो रही है। ये सामने गोलगप्पे वाला भाई है, ये गोलगप्पों वाली लाइन बनी हुई है और ये चना चाट वाली लाइन बनी हुई है। इसके साथ ये सुपारी भी देते हैं ऊपर हाजमे के लिए, सामने सुपारी भी पड़ी है।
ये पैसे दिए इनके बिल को दे डाले ये देखें सिर्फ रश देखें आप ये कौन सा बाजार है ये बाबड़ा नहीं 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 ये लुंडा लुंडा बाजार ये लुंडा बाजार है इसकी आप सूरत हाल देख रहे हैं ये सिर्फ एक छोटा सा काउंटर लगा हुआ है नाजरीन और इस काउंटर के आसपास देख रहे हैं भीड़ काफ़ी जमा हुई हुई है सिर्फ चना चाट और गोलगप्पे लेने के लिए दही भल्ले लेने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं और एक छोटे से काउंटर को 5 बंदे सर्व कर रहे हैं ये बुज़ुर्ग हैं ये पार्सल यहाँ से वो लेते हैं वो शॉपर में डालते हैं डाल के फिर कस्टमर को देते हैं एक वो अंकल है वो तैयार करते हैं वो सामने काउंटर पर रखते हैं फिर ये लड़का ये जो बना रहा है ये वहाँ से शॉपर उठा के फिर यहाँ पे वो जो मसाले वगैरह दही वगैरह डालना होता है वो तो डाल के आगे कस्टमर को देते हैं ये वाले चाचू हैं जी अबे आधा घंटा में आए वे नहीं हुआ तुझे आए ये सिर्फ एक छोटा सा चना चाट वाला स्टॉल है जिसके सामने लोग खड़े हैं और रश इतना है कि किसी को बारी नहीं मिल रही है तो मतलब मैं अब क्या इस चना चाट की क्या तारीफ़ करूं कि वो तो लोग खुद ही यहाँ पे रश लगा हुआ है लोग बता रहे हैं कि कितनी फेमस ये है चना चाट है ये ये हमारे नासर भाई हैं ये बड़े पुराने लगा रहे चना चाट यहाँ पे ना ये तकरीबन मेरा ख्याल है 35-40 साल हो गए समझे नहीं क्या खास बात है क्या बस ये इसके बात डालता तो वही है जो कुछ लोग डालते हैं लेकिन ये है कि इसमें मकसद है कि ज़्यादा देता है और कुछ चाट भी अच्छी होती है इसकी टेस्ट होता है चाट में ये तभी इतना रश लगा हुआ है यहाँ बहुत शुक्रिया बाद में आया यहाँ पे ये कहानी चल रही है कि जी पहले वो आया बाद में मैं आया हूँ लेकिन ये है कि हम इन भाई से थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं सर जी क्यों लड़ाई कर रहे हैं सर लड़ाई नहीं कर रहे इनकी चाट बहुत टेस्टी है और टाइम भी बहुत कम हो गया है और जिसकी वजह से रस्ते में रोज़ा कोई मज़ा नहीं आएगा फिर चाट का क्योंकि इनके मैं काफ़ी टाइम से खा रहा हूँ माशाल्लाह कारोबार भी इनका अच्छा और रेट भी बहुत अच्छा है मुनासिब रेट है इसी वजह से हम लड़ाई कर रहे हैं जी 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 तो फिर खत्म हो जाएगी ले ली सर आपने अब जाते हैं गोलगप्पों वाली साइड पे जहाँ पे ये जंग भी खट्टा खाने के लिए खड़े हुए हैं ये भी खट्टा खाने के लिए खड़े हुए हैं खट्टा पीने के लिए बल्कि चना चाट के साथ पापड़ी के 20 रुपए अलहदा चार्ज होंगे यार अलहदा के स्पेलिंग तो सही कर लेने थे यार भाई थोड़ा इधर होंगे ₹20 बीस रुपए की पापड़ी अलग डाली जा रही है ये चना चाट के साथ 20 रुपए की है अच्छा गोल उसके नहीं बलों के साथ नहीं 250 की दे 250 की अच्छा ये यहाँ पे इनका सेटिंग पॉइंट भी है पहले नहीं था जो कि अभी इन्होंने एक एक्स्ट्रा दुकान ले ली है ये जो बुज़ुर्ग मैंने आपको दिखाए हैं सामने नासिर साहब हैं ये इनकी जवानी वाली तस्वीर है इसको आप देख सकते हैं ये
ये इन्होंने जवानी में काम शुरू किया था, और अभी शेख नासिर रिफ्रेशमेंट सेंटर ये इनका काम है जी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जब मैं आया था लास्ट ईयर तो ये वाला सिर्फ पॉइंट था, अब इन्होंने गोलगप्पे वाला भी काम शुरू कर लिया हुआ है। दे दिए पैसे के नहीं नहीं चाहिए चक्कर में दे आते हैं इनको दे जी 150 ये पहले वाले को दे दे 150 दिए नहीं 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 जिए नहीं है कह रहे 150 की बिला ठीक है बेटा भाई भले भी गए एक मिनट पैसे हाथ में एक मिनट हाथ में रखो एक पैकेट दे यार ये बच्चे को 200 वाले 3 पैकेट कर दे 100 की दी यार 140 ये दो मुझे दे यार एक इस भाई को ये दो यार पैसे लो जी ये पैसे दे वाले दो एक ये दे बच्चे को यार मैं जा रहा हूं ये पैसे मैंने दे दिए हैं बड़ी मुश्किल से इसको दे 100 की अब आपको दिखाते हैं ये काफी देर जिन्होंने ये मीठी चटनी दो एक एक दो बार साढ़े दो इधर दो जी एक दे दो भाई इसको चार दे दो एक मिनट लड़ना नहीं दो पैसे यार कर ये सामने जो भाई हैं बोल नहीं सकते लेकिन वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये माशाल्लाह से बड़ी फिट चीज़ है ये 3 पैकेट दो ना जी ये नया जी माल डाल रहे हैं मीठी चटनी का चले ले क्या दो लेके ये 150 वाला पैकेट दो ये भैया 200 भी डालना है यार आ गया 40 दो पैसे पैसे चना चाट भी खत्म होने वाली है रश भी खत्म हो गया है तो अभी चाचू ने मेरे ख्याल में और मटेरियल का ऑर्डर किया ऐसे ही है नहीं यार जेड़े है मैं देखो जो घर में आ जाओ अच्छा कह रहे हैं कि जो घर में है वो सामान ले आए वैसे ऑलमोस्ट ये इनके पास सारा मटेरियल खत्म हो चुका है और इस बारे में ये कितने बजे स्टार्ट किया था आपने कितने बजे स्टार्ट किया था एक बजे हम एक बजे आते हैं हमारा रोज का काम है हमारा ये 1 बजे आते हैं और 6 बज गए मतलब 5 घंटों में ये अपना सारा मटेरियल बेच के अभी थोड़ी देर बाद ये चले जाएंगे बड़े वो रहा यार उसमें नहीं ऐसे उल्टा हो यार छापर खोल के हाँ मेरे बेटे हैं दोनों कौन से ये भी वो आपस भी है ये जो चाचू हैं नासिर साहब हैं ये वाले इनके बेटे हैं और एक वो जो गोलगप्पे पे खड़े हैं वो भी बेटे हैं तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि कारोबार कर लो कारोबार में फ़ायदा है नौकरियों में ना पढ़ो कारोबार करो आपको मैं बता रहा हूँ कि आज वैसे शब बरात का रोज़ा भी लोगों ने रखा हुआ है तो इस वजह से भी काफ़ी रश लगा हुआ है तो ये यहाँ पे बैठ के रोज़ा कुशाई भी करवाएंगे चाचू बता रहे थे कि रोज़ा कुशाई भी करवानी है तो अभी मुझे भी उन्होंने बोला है कि अंदर जाएं आपको हम अपना टेस्ट चेक करवाते हैं ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं या गोलगप्पे लेने दही भल्ले लेने ये देखिए सामने बैठे हैं हमारे एक मौजूद साथी बैठे हैं रोज़ा खोलने के लिए आए हैं ये रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं ये जी सामने रोज़े का टाइम होने वाला है रोज़ा खुलने का
तो मुझे भी चाचू जो हैं ऑनर, उन्होंने बोला है कि आप जाएं अंदर बैठें, आपको भिजवाता हूं मैं। ये जी हमारा पार्सल आ गया।